नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं किरण टिकट दिनों से। तो अगर आपके पास एक नॉर्मल टीवी है जिसमें HDMI पोर्ट है, उसको स्मार्ट बनाने के लिए आप अगर आप क्रोम कास्ट खरीदते हैं या फिर एक फायर टीवी स्टिक खरीदते हैं, तो आपका टीवी जो है स्मार्ट टीवी की तरह एक्ट करता है। क्योंकि क्रोम कास्ट से आप अपने मोबाइल के वीडियोज़ को, जैसे यूट्यूब का वीडियो हो गया, उसमें कास्ट कर सकते हैं मोबाइल से। या फिर फायर टीवी स्टिक में आपको डेडिकेटेड रिमोट मिलता है, उसमें आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टॉल करके उसे कंटेंट को वॉच कर सकते हैं। तो ऐसा एक सर्विस ऐप भी प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आपको एप्पल टीवी की जरूरत पड़ती है। तो आज हम एप्पल टीवी के अनबॉक्सिंग के बारे में देखेंगे, उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे, और इसके कंप्लीट सेटअप और उसके डिटेल फीचर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज अनबॉक्सिंग देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। उससे पहले अगर आपको ये खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अनबॉक्सिंग को देखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। एप्पल टीवी का बॉक्स, और ये एप्पल टीवी जो है 2-3 मॉडल में आता है। ये HD वर्जन आता है आपको, और ये 4K वर्जन आता है। तो 4K में ही 2 वर्जन आते हैं, 32 GB और 64 GB हो गया। 64 GB वेरियंट है, और ये लगभग आपको 19,000 रुपये से फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो ये एप्पल टीवी 4K मॉडल है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था, और इसके फीचर्स के बारे में पीछे बताया गया है। इसमें एप्पल टीवी प्लस सपोर्ट करता है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो, फेसबुक वीडियो, एप्पल म्यूजिक, CNN, टेड एंड थाउजेंड्स मोर, बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। और ये सबसे बेस्ट स्ट्रीमिंग डिवाइस माना जाता है मार्केट में, और ये सपोर्ट्स फॉर HD, 4K HDR, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमोस सपोर्ट आता है इसमें, और 5,000 ऑफ एप्स एंड गेम्स इन द ऐप स्टोर। तो इसमें आपको 64 GB का स्टोरेज मिलता है, ताकि आप इससे गेम भी खेल सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। इसमें एप्पल का A10X चिप आता है जो बहुत पावरफुल रहता है, और इसमें 4K HDR 64 GB स्टोरेज मिलता है। और इसमें iTunes अकाउंट आपको जरूरत है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और 4K HDR TV होना चाहिए, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो इसमें इसके कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और यहाँ पे इसका प्राइस दिया है 19,480। तो इस प्राइस में आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो चलते हैं इसका अनबॉक्स करके देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या मिलता है। तो मैं बॉक्स की सील को ब्रेक कर देता हूँ, उससे पहले कवर को। तो ये टिपिकल अनबॉक्सिंग होता है एप्पल का, तो यूजली सिंगल टाइप ऑफ पैकेजिंग होता है। तो मैं कवर को हटा देता हूँ, कवर को हटा दिया है। आप देखते हैं इस पर कोई सील तो नहीं है, आपको फ्लैप को उठाना पड़ेगा। मैंने ऊपर वाले फ्लैप को हटा दिया अभी। तो सबसे पहले आपको मिलता है एप्पल टीवी का बॉक्स। तो ये सॉलिड मेटल एल्युमिनियम से बना है, और उसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं, ये कवर से निकाला नहीं है अभी तक मैंने। उसके बाद आपको मिलता है टीवी का रिमोट, ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी मटेरियल से बना होता है। तो इसको आप पीछे एल्युमिनियम और आगे भी एल्युमिनियम मिलता है। यहाँ पे आपको एक ट्रैक पैड मिलता है, और ये वो वॉइस कंट्रोल रिमोट है। मेनू बटन मिलते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, और प्ले पॉज बटन मिलता है। तो नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिससे आप लाइटनिंग केबल कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हैं। ऊपर आपको सेंसर्स मिलते हैं, साइड में रख देते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है। उसके बाद बॉक्स में आपको एक पैम्पलेट मिलता है और यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसे आप पढ़ लें ताकि आप इसको सेटअप कर सकते हैं। आपको एक लाइटनिंग USB लाइटनिंग केबल मिलता है, ताकि आप अपने एप्पल टीवी के रिमोट को चार्ज कर सकते हैं, और आपको इसका पावर कोड मिलना चाहिए यहाँ पे। तो इसके साथ आपको एक पावर कोड मिलता है। तो ऐसे ही एक्सेसरीज आपको इसके साथ मिलते हैं। तो आप देखते हैं एप्पल टीवी के पोर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो एप्पल टीवी बेसिकली ऊपर एक फ्लैप चढ़ा आता है, नीचे आपको वेंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये 4K HDR डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, तो ये हीट होने के चांसेस रहते हैं। इसमें A10X चिप आता है, तो इसके ऊपर वाले कवर को जब हटाएं तब आपको पोर्ट्स मिलेगा। तो मैंने ऊपर वाले कवर को हटा दिया है अभी। तो इसके साइड में ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो अब जस्ट आप अपने इसको हाथ रखेंगे तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट लग जाता है। तो पीछे आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक ईथरनेट पोर्ट मिलता है, और एक पावर केबल का पॉइंट मिलता है, और आगे आपको एक LED मिलेगा, LED लाइट मिलेगा। जब आप इसको बूट करेंगे तभी ये ग्लो होगा, और ऊपर आपको एक एप्पल टीवी का लोगो मिलेगा। और कोई पोर्ट्स इसमें नहीं है, और नीचे आपको जैसे पहले मैंने बताया वेंट्स मिलेंगे आपको, जिससे आपका हीट डिसिपेशन होता है। तो ये चीज़ें आपको बॉक्स में मिलती हैं।
ये काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है और काफ़ी पावरफुल डिवाइस है। इसमें बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में होंगे तो आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि आप किसी भी डिवाइस से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट रिमोट आपको मोबाइल में ही मिलता है, एप्पल आईफोन में मिलता है। और आप कोई भी कंटेंट को कास्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी कंटेंट का सीमलेसली प्ले होगा आपके मोबाइल से या फिर अपने आईपैड से या मैकबुक से। इसके फीचर्स और इसकी फंक्शनलिटी और फीचर्स के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको खरीदना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखेंगे, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।